अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। सीबीसीआईडी की इंक्वायरी जो औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को आप रिवील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 वर्ष की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीआरएस की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 एकड़ आराजी चली गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आनेर का एनकाउंटर जो हुआ पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस बात पर कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया है। और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली जमात को खत्म करने के मंसूबे व साजिशें बनाई गईं, कोशिशें की गईं, लेकिन वो साजिशें, वो मंसूबे, वो ख्वाब चुकनाचूर हो गए। हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे, हम में कोई कमी नहीं आई। कभी ये यहां से यहां आते हैं, कभी वो वहां से यहां आते हैं, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। और बेबाकी के साथ, पूरी दियानत के साथ, ईमानदारी के साथ, इखलास के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते रहेंगे। और ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं है। मुसलमान को भी दस्तूर हिंद ने वो बराबर का हक दिया गया है। और इस ऐवान में खड़े रहकर हमारी तारीख है कि हमने मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए तबकात के लिए, SC ST के हुकूक के लिए हमने जिद्दोजहद की है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की हुकूमत इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।